नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं मेडकैप पार्टनर एप्लीकेशन को कैसे इंस्टॉल करना है और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें ड्राइवर और अपनी गाड़ी को कैसे जोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक। सबसे पहले हमें जाना है प्ले स्टोर में जाके टाइप करना है MED स्पेस CAB स्पेस PARTNER। जैसे हम सर्च करते हैं तो हमें ये पहले नंबर पे दिख जाएगा, ये लोगो रेड कलर का, इसमें लिखा है मेडकैप पार्टनर। और जैसे ही हम इसमें क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन आएगा और हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। चलिए, हमारा मेडकैप पार्टनर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। चलिए इसको ओपन करते हैं। जैसे इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें यह लैंग्वेज पूछेगा कि किस लैंग्वेज में हम इस एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं। चलिए अभी के लिए इंग्लिश सेलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड करते हैं। और जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि जो जो परमिशन लिया जा रहा है वो किस लिए लिया जा रहा है। जैसे कि लोकेशन परमिशन लिया जा रहा है, आपके रजिस्ट्रेशन के दौरान लिया जाएगा लोकेशन परमिशन, और बाकी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन ली जाएगी जैसे नाम और आपकी आधार कार्ड ये सब, और उसके बाद आपकी कैमरे की परमिशन जिससे आप ऐप इमेज क्लिक कर सके। सबसे पहले लोकेशन की परमिशन वाइल यूजिंग एप्लीकेशन कर देते हैं, तो जैसे ऐसे एप्लीकेशन खुलेगा तब यूज़ होगा। और उसके बाद हम यूज़ करते हैं कॉल की परमिशन को। जैसे ही आप क्लिक करेंगे किसी कॉल नंबर पे तो उस पर सीधे आपके डायलर पे वो आ जाएगा। उसको अलाउ करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, तो इसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आएगा। आप इसको अलाउ करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन एंड गेट OTP करेंगे। जैसे गेट OTP करेंगे तो आप यहाँ OTP के पेज पे पहुँच जाएंगे। अगर OTP ना आए तो आप रिसेंट का ऑप्शन भी यहाँ पे आएगा, बट वो आएगा आपके करीब 30 सेकेंड बाद। अगर अब मोबाइल नंबर अभी कभी गलती से गलत दब गया तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल के लिए OTP इंटर कर देते हैं। जैसे आप OTP एंटर करेंगे उसके बाद आप इस पेज में आ जाएंगे। इस पेज में आपको सबसे पहले प्रोफाइल फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करनी है अपनी, उसके बाद अपना नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर, फिर आपके सिटी से है, आपका आधार कार्ड का फ्रंट इमेज, आधार कार्ड का बैक इमेज और आधार कार्ड का नंबर। चलिए जल्दी से इसको फिल करते हैं। इसमें डेट ऑफ बर्थ जो आपके आधार कार्ड में होगी वो डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो रेफरल कोड, उसके बाद आप जेंडर एंटर करेंगे, उसके बाद आपकी जो सिटी होगी वो यहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे कि लखनऊ है हमारी तो हम लखनऊ एंटर कर लेते हैं। उसके बाद आधार कार्ड की फ्रंट इमेज, आधार कार्ड की बैक इमेज, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। जैसे आप नंबर एंटर करेंगे यहाँ पे प्रोसीड का बटन आ जाएगा। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आप एज अ पार्टनर यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली अपना यहाँ पे ड्राइवर जोड़ना है और अपनी एम्बुलेंस को ऐड करनी है। चलिए देखते हैं कैसे ड्राइवर को जोड़ना है। ड्राइवर को जोड़ने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करें, ड्राइवर लिखा हुआ है ऐड न्यू पे, यहाँ पे ड्राइवर का नाम लिख देना है। उसके बाद आपके ड्राइवर का नंबर एंटर करना है जिसपे कि वो OTP पाएगा। इसके बाद आपके ड्राइवर का डेट ऑफ बर्थ जो भी उसके आधार में लिखा होगा ये, और ड्राइवर का जेंडर, उसके बाद ड्राइवर की उसकी एक फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी आपको। और जैसे ही फ़ोटो अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का बटन आएगा। आप जैसे ही उसकी डिटेल्स भर देंगे तो उसके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। आपको यहाँ पे उसका OTP एंटर करना होगा। जैसे आप OTP एंटर करेंगे तो यहाँ पे उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अपलोड करनी होंगी, जैसे उसका आधार कार्ड हो गया, उसका पैन कार्ड हो गया, उसका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया और पुलिस वेरिफिकेशन। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उसका आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर के बाद तो उसका आधार का फ्रंट फोटो क्लियर अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद आपको उसका आधार का बैक फोटो एंटर करना होगा। और जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका हो गया। उसके बाद आपको पैन कार्ड अपलोड करनी है उसकी। और पैन कार्ड का फ्रंट फोटो क्लियर अपलोड करना होगा आपको।
जैसे ये आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपको लाइसेंस पूछेगा, उसकी ड्राइविंग लाइसेंस की नंबर अपलोड करनी है और उसकी लाइसेंस की क्या एक्सपायरी है ये डेट आपको एंटर करना होगा। और इसके बाद आपको उसकी ड्राइविंग लाइसेंस का फ्रंट क्लियर इमेज और ड्राइविंग लाइसेंस का बैक क्लियर इमेज अपलोड करना होगा। आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने डॉक्यूमेंट से भी अपलोड कर सकते हैं और नेक्स्ट कर देंगे। तो इसके बाद आपका बचा पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी आपका ड्राइवर होगा एक उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और जैसे ही सबमिट कर देंगे यहाँ पे एक सबमिट का बटन आएगा, इसका मतलब ये होता है कि आपने सारी डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड कर दी हैं और आपको सबमिट करना है वेरिफिकेशन के लिए। आप चाहे तो एक बार क्लिक करके क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो सही है कि नहीं, उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे ये देखिए ड्राइवर लिस्टेड फॉर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, आपका ड्राइवर जो है लिस्टेड हो गया है वेरिफिकेशन के लिए, वो विद इन 24 आवर्स आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपको दिख जाएगा यहाँ पे जो भी ड्राइवर होगा वो अगर वेरिफिकेशन में होगा तो यहाँ पेंडिंग में आपको दिखाएगा। चलिए इसके बाद हम ऐड करते हैं अपने एम्बुलेंस को, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एम्बुलेंस के लिए हमें एम्बुलेंस का टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपके पास जो भी एम्बुलेंस होगी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे चलिए हमारे पास पेशेंट ट्रांसपोर्ट एम्बुलेंस है तो इसको क्लिक कर लेते हैं और डन कर देते हैं। इसके बाद हमें उसमें देखने की जो जो फैसिलिटीज़ दी हैं वो है कि नहीं, जैसे एमरजेंसी किट हो गया, व्हीलचेयर हो गया और ऑक्सीजन सिलेंडर, ये सारी हैं हमारे पास तो डन कर देते हैं। यहाँ पे आपको एम्बुलेंस की फ्रंट इमेज और एम्बुलेंस की बैक साइड से क्लियर इमेज अपलोड करनी है। इसके बाद आपका जो भी एम्बुलेंस का नंबर है वो एंटर कर देना है। उसके बाद आपको एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है ये डेट से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी एम्बुलेंस की आरसी होती है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी क्लियर फोटो यहाँ पे अपलोड करनी है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे फिटनेस इंश्योरेंस और पॉल्यूशन, तीनों डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है कि आपकी फ़िटनेस कब तक वैलिड है। उसके बाद फिटनेस की आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। फिटनेस का फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे इंश्योरेंस आपका कब एक्सपायर हो रहा है, उसके बाद इंश्योरेंस होल्डर का नाम क्या है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियर इंश्योरेंस की एक फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे पॉल्यूशन कब एक्सपायर हो रहा है आपका ये डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक पॉल्यूशन की क्लियर इमेज अपलोड कर देनी है। जैसे ही आप ये अपलोड कर देंगे उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए सबमिट का बटन दिखेगा और आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को कि जो आपने डॉक्यूमेंट एंटर किया है वो सारे सही है कि नहीं, उसके बाद आप यहां पे सबमिट क्लिक कर सकते हैं। आप जैसे सबमिट क्लिक करेंगे तो यहां पे लिस्टेड वेरिफिकेशन व्हीकल फॉर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, मतलब आपकी व्हीकल जो है वेरिफिकेशन के लिए चली गई है जो कि 24 घंटे में आपकी वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप 24 घंटे का वेट करें और जैसे ही गाड़ी अप्रूव हो जाएगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप गाड़ी को असाइन कर सकते हैं। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पेंडिंग ड्राइवर और पेंडिंग एम्बुलेंस जो है 00 दिखा रहा है, मतलब कि एम्बुलेंस और हमारी ड्राइवर की आईडी वेरीफाई हो गई है। चलिए इसके बाद यहाँ पे जाते हैं, नीचे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे असाइन करके एक बटन बना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे आपका ड्राइवर और एम्बुलेंस। और अगर असाइन पे जाएंगे तो अभी नो डेटा फाउंड, क्योंकि कोई भी डेटा असाइन मतलब कोई भी ड्राइवर किसी भी एम्बुलेंस में असाइन नहीं हुआ है। उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ड्राइवर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं असाइन पे नॉन लिखा हुआ है, नो असाइंड, ठीक है, नॉट असाइंड में इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सबसे पहले ड्राइवर का नाम दिखेगा, वॉलेट दिखेगा, उसके बाद ड्राइवर की अर्निंग दिखेगी, राइड हिस्ट्री दिखेगी, उसके नीचे चेंज एम्बुलेंस या असाइन एम्बुलेंस का ऑप्शन आएगा। असाइन की हिस्ट्री भी आपको दिखती है, आपने कब कौन सी ड्राइवर को कौन सी एम्बुलेंस असाइन की थी, डेट टाइम सब कुछ दिखता है। जैसे कि नीचे देख पा रहे हैं नीचे आपके ड्राइवर का मोबाइल नंबर दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप कॉल भी कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमें ड्राइवर को असाइन करना है एक एम्बुलेंस, तो हम क्लिक करते हैं चेंज एम्बुलेंस में। चेंज एम्बुलेंस में क्लिक करेंगे तो जितने भी वेरीफाइड एम्बुलेंस होंगे वो आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। आप सिंपली इसमें सेलेक्ट करके चेंज में क्लिक करेंगे तो आपका दिखा रहा है असाइन सक्सेसफुली, मतलब आपने ड्राइवर को एम्बुलेंस असाइन कर दिया है। चलिए हम देखते हैं असाइन लिस्ट में, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। जैसे रिफ्रेश करेंगे जैसे कि हम देख पा रहे हैं सामू कुमार जो है एम्बुलेंस असाइन हो चुका है। ये आपका प्रोसेस है असाइन का।
इसके आगे हम देखेंगे कि इस एम्बुलेंस का रिचार्ज कैसे करना है, वॉलेट का मिनिमम वॉलेट रिचार्ज कैसे मेंटेन करना है, प्लस उसको लॉगिन कैसे करना है। इस जो भी ड्राइवर होगा, इस ड्राइवर को लॉगिन करने के लिए आपको मेड कैब ड्राइवर एप्लीकेशन इंस्टॉल कराना पड़ेगा उसके फ़ोन में, और उसको लॉगिन कराना पड़ेगा। और लॉगिन करके जैसे वो ऑन ड्यूटी करेगा तो उसको जो नियरेस्ट की बुकिंग होगी, जो भी बुकिंग बजेंगे नियरेस्ट में, तो उसको नोटिफाई होगा। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है। उसकी भी सारी जानकारी आपको इसी एप्लीकेशन में मिलेगी। धन्यवाद।